तो बच्चों अब करेंगे हम 26th क्वेश्चन, 26th। और बच्चों इसका डायग्राम मुझे गिवन है, और ये बोल रहा है मुझे ना इसका डायग्राम आप अपनी बुक खोलो, और ये बोलेगा देखो देखो मैं आप बुक निकाल लेता हूँ, ये डायग्राम है। और बच्चों ये पता क्या कह रहा है, देखो ये बोल रहा है कि मुझे ना रेशियो निकालना है इस भार वाले का सरकमफेरेंस का और अंदर वाले का सरकमफेरेंस का रेशियो, और भार वाले सर्कल का एरिया और अंदर वाले सर्कल का एरिया का रेशियो निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। तो देखो मैं काम करता हूँ, मैं ये वाली जो साइड है ना देखो यहाँ से यहाँ तक इसको मैं ना ले लेता हूँ ए, तो देखो ये स्क्वायर है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा पूरा ए हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब देखो भार वाले की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं भार वाले की बात करता हूँ ये वाला पूरा, तो देखो यहाँ से और यहाँ तक ये भार वाला पूरा हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा भार वाला है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये भार वाला है, देखो है ना भार वाला। तो देखो ये हाइपोटेनियस, अगर मैं इस भार वाले सर्कल का अगर मैं सर्कमफेरेंस निकालने की कोशिश करता हूँ, तो इसकी साइड मैंने ए ले ली, ये भी मैंने ए, ये ऑब्वियसली बात है ये साइड ए है तो ये भी साइड ए होगी, तो मैं इसका हाइपोटेनियस निकाल लूंगा। और मुझे अगर हाइपोटेनियस आ गया ना बच्चों, तो भार वाले का मेरा क्या आ जाएगा, भार वाले का मेरा डायमीटर आ जाएगा, और भार वाले सर्कल का एक बार डायमीटर आ गया तो रेडियस भी आराम से आ जाएगा। तो देखो पहले मैं ये वाले का ना भार वाले का निकालता हूँ, तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो बेस मेरा ए है ए का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी मेरा ए ही है ए का स्क्वायर। तो देखो मैंने ना जो ये साइड थी ना, साइड को मैंने लेट किया था ए है ना, तो ये जो साइड है मेरी मैंने ए से ए लेट कर लिया इसको, ये भी ए ये भी ए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2a² और हाइपोटेनियस हो जाएगा मेरा, देखो स्क्वायर था यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और ए इंटू ए तो ए होता है। तो देखो हाइपोटेनियस जो मेरा हाइपोटेनियस है वो मेरा कितना आ गया बच्चों अंडर रूट 2a। अब भार वाले के लिए ये देखो भार वाले का डायमीटर है, ये भार वाले सर्कल का डायमीटर, तो भार वाले सर्कल का डायमीटर मेरा आ चुका है, तो रेडियस कितना हो जाएगा भार वाले का आउटर, मैं लिख लेता हूँ ओ यू टी आर आउटर सर्कल है ना, आउटर सर्कल का जो रेडियस होगा मेरा कितना होगा अंडर रूट 2a/2 हो जाएगा ना। तो देखो रेडियस मेरा आउटर सर्कल है तो रेडियस मैं बड़ा लिख देता हूँ, बड़ा आर लिख देता हूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बड़े आर का जो आउटर सर्कल है वो आ गया अंडर रूट 2/ है अंडर रूट 2a/2 अंडर रूट 2a/2 है ना। तो अब देखो रेडियस मेरा आ चुका है, अब मैं सर्कमफेरेंस निकाल लेता हूँ, तो सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर, ठीक है आउटर सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा कितना हो जाएगा 2πr, और रेशियो निकालना है तो पाई को रहने देना है वैसे, क्योंकि रेशियो में पाई कटेगा ही कटेगा 100%। तो देखो 2 × π × रेडियस है मेरा कितना, बड़ा वाला रेडियस बड़ा आर लिख लेता हूँ, तो रेडियस है मेरा अंडर रूट 2a/2, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये आ जाएगा पाई ए अंडर रूट 2 है ना। तो ये आउटर आउटर सर्कल का ये क्या है सर्कमफेरेंस है, ये आउटर सर्कल का ये सर्कमफेरेंस आ गया, ठीक है ये वाला। अब इनर सर्कल का सर्कमफेरेंस देखो, इनर सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा तो ध्यान से देखिए, इनर सर्कल का सर्कमफेरेंस, अब मैं यहाँ से और ध्यान से देखिए ये ए है ना, तो अब अंदर वाले अब मैं अंदर वाला सर्कल बनाता हूँ, ठीक है यहाँ पे मैं देखो अंदर वाला सर्कल बनाता हूँ, तो इसको अभी मार्क कर लो आउटर का सर्कमफेरेंस और इनर का निकालना है। अब देखो देखो एक ये सर्कल था और एक ये सर्कल था ना, तो जो अंदर वाले का सर्कमफेरेंस होगा ना ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ए था, तो ये अंदर वाले का क्या होगा सर्कमफेरेंस, ये हो जाएगा a/2 अंदर वाले का, सॉरी रेडियस जो होगा ना यहाँ से यहाँ तक, देखो ये जो रेडियस होगा ना यहाँ से, ये डायमीटर जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये तो पूरा a था, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक a था, तो जो अंदर वाला भी, तो अब ये पूरा a है तो ये भी तो पूरा a होगा ना, तो जो अंदर वाला जो था ना देखो ध्यान से, अंदर वाले का जो डायमीटर है वो a होगा, अंदर वाले का डायमीटर a आ गया, तो रेडियस कितना होगा अंदर वाले का, इनर इनर सर्कल का जो रेडियस होगा वो होगा a/2, तो इसका सर्कमफेरेंस भी निकाल लूंगा मैं, ये हो जाएगा 2πr, तो हो जाएगा 2 × π × r है मेरा a/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो गया पाई ए है ना। अब मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, मैं यहाँ पर रेशियो निकाल लेता हूँ, अब मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, तो आउटर सर्कल का रेशियो है पाई ए अंडर रूट 2 और इनर का है पाई ए, तो
पाई ऐसे पाई कैंसल आउट हो गया तो क्या आ गया पे रेशियो आ जाएगा बच्चों अंडर रूट टू रेशियो वन, या फिर आप इसको वन रेशियो अंडर रूट टू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसी के पार्ट में अब इसका एरिया भी निकालता हूँ। अब मैं पहला पार्ट हो गया, अब मैं एरिया निकालता हूँ इसका। देखो एरिया भी काफ़ी ईजी है, मैंने सब कुछ तो निकाल ही रखा है, एरिया तो आराम से निकल ही जाएगा। तो मैं इसको इधर साइड रख लेता हूँ। अब मैं इसका एरिया निकालता हूँ, देखो ये है। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले आउटर सर्कल, यहाँ पे इनर सर्कल। आउटर सर्कल का रेडियस है कितना बच्चों, आउटर सर्कल का रेडियस था कितना, अंडर रूट टू ए अपॉन टू, और इनर सर्कल का रेडियस था अपना ए अपॉन टू। तो बस एरिया निकाल लेता हूँ मैं, अब देखो कितना इजी है। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई है मेरा 22, पाई को रहने दो ऐसी, क्योंकि रेशियो में निकालना है तो पाई, ये ए आर स्क्वायर है, तो अंडर रूट टू अपॉन टू ए इंटू अंडर रूट टू अपॉन टू ए। तो देखो ये ऐसा हो गया, और दूसरा वाला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये ए का ए स्क्वायर अपॉन मतलब ए इंटू ए अपॉन टू इंटू टू, ये हो गया। अब इन दोनों को मैं रेशियो में रख देता हूँ, तो देखो क्या होने वाला है, पाई अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू इंटू ए होल अपॉन फोर होल अपॉन, ये वाला रखता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई ए इंटू ए अपॉन फोर। देखो फोर से फोर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू टू, और यहाँ पे वन। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो रेशियो आ गया मेरे पे 2:1, या फिर मैं 1:2 भी लिख सकता हूँ। तो ये एरिया आ गया, एरिया का रेशियो भी आ गया और वो भी आ गया मेरे पे पहले सर्कमफेरेंस का। तो देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी डरने की जरूरत ही नहीं है यार, बहुत ईजी है। ठीक है।